नमस्कार, स्वागत है आपका कुंडली टीवी के मंथली राशिफल में, जिसमें हम बताएंगे आपको क्या रहेगा अक्टूबर महीने में 12 राशियों का हल। इन सब की जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं आचार्य इंद्रदेव वशिष्ठ जी। स्वागत है आचार्य जी आपका। नमस्कार नेहा जी, सभी दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत है। राशिफल के बारे में बात करेंगे, अक्टूबर का महीना सभी राशियों के लिए कैसे रहने वाला है और अक्टूबर के माह में ट्रांजिट कैसे होंगे, कौन से ग्रह बदलेंगे, कौन से ग्रह एक जगह रहने वाले हैं। ये चार्ट है, 17 अक्टूबर को सूर्य कन्या राशि से तुला राशि पर गोचर करेंगे संक्रांति पर। उसके बाद 2 अक्टूबर को बुध वक्र मार्गी होते हुए फिर 26 अक्टूबर को वो भी तुला राशि पर आ जाएंगे और इसी के साथ साथ 18 अक्टूबर को शुक्रदेव भी तुला राशि पर गोचर करेंगे। आखिरी अक्टूबर में लगभग 30 अक्टूबर को मंगल का भी राशि परिवर्तन होगा। इसके अतिरिक्त ग्रहों का ट्रांजिट, ग्रहों का गोचर ऐसे ही चलने वाला है अक्टूबर महीने पर और इसी के आधार पर आप सबके राशि फल को बताया जाएगा। बात करते हैं कर्क राशि की, तो आचार्य जी कर्क राशि के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा? कर्क राशि और अक्टूबर का महीना कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं और कर्क राशि के लिए अक्टूबर का महीना कैसे रहने वाला है बड़ी सटीक जानकारी देने लगा हूँ। कर्क राशि वालों के लिए देखिए, यहाँ पर सप्तम में शनि का गोचर रहेगा, बाकी ट्रांजिट आप देख ही रहे हैं, तो यहाँ पर आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। मन परेशान रह सकता है, लोगों से मन मुटाव भी हो सकता है, दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, परिवारजनों से भी किसी न किसी से रिलेशन खराब हो सकते हैं अक्टूबर के महीने में, तो एक तो यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त बात करें तो चोट भय बनता है यहाँ पर, आपको ट्रैवलिंग वाहन वगैरह बहुत ध्यान चलाना चाहिए। नौकरी में फायदा नजर आ रहा है, व्यापार में फायदा नजर आ रहा है, लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य का और अपने वाहन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा अक्टूबर के महीने में। जी, तो चलिए अब बात करते हैं जो लोग जॉब करते हैं या फिर जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा? नौकरी पेशे जो लोग हैं यहाँ पर प्रोग्रेस, तरक्की, सफलता नजर आती है, यहाँ पर नौकरी में परिवर्तन भी नजर आ रहा है। जो गवर्नमेंट फील्ड से जुड़े लोग हैं उनका हो सकता है इस महीने ट्रांसफर हो जाए या प्राइवेट नौकरी में थोड़ी सी गड़बड़ी हो तो हो सकता है बदलाव हो सकता है, लेकिन नौकरी में अगर बदलाव भी होता है या ट्रांसफर भी होता है तो प्लस पॉइंट में जाएगा, सफल होगा, अधिक फायदा होगा। तो नौकरी पेशे वालों के लिए यहाँ पर बहुत अच्छी राशि योग दे रही है और इसके अतिरिक्त जिनको नौकरी नहीं मिली है तो अक्टूबर महीने में नौकरी मिलती हुई भी नजर आ रही है, मिल जाएगी। जो व्यापारी लोग हैं, हालांकि जिनका शनि से संबंधित काम है उनके लिए तो ये सोने पर सुहागा होगा, खूब चढ़ाई होगी। इसके अतिरिक्त भी जो व्यापार करते हैं तो व्यापारियों के लिए ये समय अक्टूबर के महीने में अनुकूल रहने वाला है। नया व्यापार शुरू करना चाहे तो भी बेहतर समय रहेगा अक्टूबर के महीने में। अगर आपको व्यापार पहले से बंद पड़ा है, नहीं चल रहा है, तो वो भी अब चलता हुआ नजर आ रहा है। इस अक्टूबर के महीने में केवल देन लेन का बहुत ध्यान रखना होगा, अन्यथा आपका पैसा फंस सकता है, विवाद बढ़ सकता है, वो विवाद बहुत दूर तक जा सकता है, जिससे कोर्ट कचहरी का लफड़ा भी हो सकता है। तो जहाँ जहाँ सावधानी वहाँ सावधानी रखिए, जिन चीज में फायदा है वो तो ऑलरेडी फायदा हो गया। चलिए जानते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए फैमिली, लव और रिलेशनशिप के लिहाज से समय कैसा रहेगा? देखिए, पत्नी के साथ मन मुटाव रह सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, विचार मिलते मिलने में दिक्कतें हो सकती है। जिनका पहले से मतभेद हो रहा है तो अक्टूबर के महीने में सॉर्ट आउट होता नजर नहीं आता है, और जिनका रिलेशन अच्छा है तो उसमें बहुत ज्यादा ध्यान आपको रखना पड़ेगा। कर्क राशि के जातकों को पत्नी के साथ और पार्टनर के साथ, प्रेम का जो भी कह रहे हैं, इनके साथ भी यहाँ पर दिक्कतें नजर आ रही है, यहाँ पर आपको धोखा मिलता नजर आ रहा है, यहाँ पर आप किसी के मिसगाइड में आ सकते हैं, किसी के बहकावे में भी आ सकते हैं, इन चीजों से आपको बहुत बचना होगा अन्यथा ये दोनों जगह रिलेशन खराब होते नजर आ रहा है। तो चलिए जानते हैं स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स के लिए समय कैसा रहेगा? स्टूडेंट के लिए ये समय कर्क राशि वालों के लिए बहुत ध्यान रखना होगा, कोई भी फैसला बहुत सोच समझ कर ही लीजिए। आप लापरवाही या किसी जल्दबाजी में किया गया फैसला, उत्साह में जल्दी किया गया फैसला आपके लिए अनिष्टकर सिद्ध हो सकता है। जो रिसर्च फील्ड में वहाँ पर यहाँ पर गड़बड़ी नजर आती है, अक्टूबर के महीने में बहुत सावधान रहेंगे। जो विद्यार्थी भी हैं उनको भी अक्टूबर के महीने में थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। तो जो विद्यार्थी है, अन्य विद्यार्थी रिसर्च फील्ड के अलावा, उनके लिए यहाँ पर कुछ खास दिक्कतें नजर नहीं आती है, केवल आपको अपना ध्यान केंद्रित रखना होगा। कर्क राशि वालों के लिए योग अभ्यास और प्राणायाम पूरे अक्टूबर के महीने में बहुत जरूरी रहेगा अगर आप दिक्कतों से बचना चाहते हैं, अन्यथा कोई भी समस्या आपको आ सकती है। आचार्य जी, इनमें से जो स्टूडेंट्स विदेश के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए ये समय कैसा रहेगा? देखिए ना, जो लोग विदेश के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, स्टूडेंट हैं या अदर फील्ड के लोग हैं, तो विदेश में यहाँ अक्टूबर के महीने में बहुत अच्छे रिजल्ट तो नजर नहीं आ रहे। अब उसमें होगा क्या, जिनकी कुंडली में दशा हमारा स्ट्रॉन्ग होगी या गोचर में ठीक चल रहा होगा तो लगभग कुछ लोगों का काम बन भी जाएगा, लेकिन लगभग लोगों का अक्टूबर के महीने में विदेश का काम यहाँ पर रुकता हुआ नजर आ रहा है। अक्टूबर के महीने आपको इंतजार करना पड़ सकता है। तो
चलिए जानते हैं जो लोग हेल्थ इश्यू से जूझ रहे हैं या फिर जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए समय कैसा रहेगा। यात्रा के लिहाज से बात करें तो कर्क राशि वालों के लिए आपको ट्रेवलिंग वाहन बहुत ध्यान से चलाना होगा और यात्रा के दौरान खान पीन का ध्यान रखना होगा। इसके अतिरिक्त बात करें तो आपको कम से कम इस पूरे अक्टूबर के महीने में मुमकिन हो तो आपको पश्चिम दिशा की यात्रा से थोड़ा परहेज रखना चाहिए। अन्य यात्राएं आपके लिए कुछ ज्यादा नुकसानदायक नहीं है, उनसे फायदा हो सकता है। बिजनेस के सिलसिले में यात्रा करनी हो, काम के सिलसिले में यात्रा करनी हो, उसमें आपको लाभ होता हुआ नजर आता है। चलिए जानते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए शुभ रंग कौन सा रहेगा। देखिए कर्क राशि के जातकों के लिए पूरे महीने अक्टूबर के महीने में शुभ रंग आसमानी कलर होगा और इस कलर का आप यूज करते हैं अक्टूबर के महीने में तो कोई काम नहीं बन रहा है, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, नौकरी के लिए जा रहे हैं, विवाह के लिए जा रहे हैं, रिश्ते के लिए जा रहे हैं, किसी जरूरी काम के लिए जा रहे हैं, तो आप आसमानी कलर का कपड़ा जरूर पहने, उससे आपको पॉजिटिव रिजल्ट नजर आते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए उपाय। कर्क राशि के जातकों के लिए उपाय है आप माँ की अपने बहुत सेवा करें, माँ का ध्यान रखें और कर्क राशि के जातक अगर आप किसी चीज से पहले समस्याओं से ग्रसित हैं तो कम से कम आपको पूरे अक्टूबर के महीने में सुंदर कांड का पाठ करना चाहिए और सूर्य अस्त के बाद रात के समय आवारा कुत्तों को, गरीब कुत्तों को दूध डालना चाहिए। ये उपाय आपके लिए बेहद लाभकारी सिद्ध होगा पूरे अक्टूबर के महीने। तो ये था कर्क राशि का हाल। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे अगली राशि सिंह की। जुड़े रहे हमारे साथ, धन्यवाद। धन्यवाद, जुड़े रहे।